उन्हीं की वजह से देखा है, उन जनप्रतिनिधियों की वजह से देखा है जो भले ही कई मुद्दों पर बहस करते नजर आए, जो कहीं कई मुद्दों पर भिड़ते नजर आए, लेकिन कई बार ऐसा देखा है हमने जब वो एकजुटता भी नजर आई जिसकी उम्मीद यहाँ पर की गई है, वो हंसी ठहाके भी नजर आए जो कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन के बीच में जब बरबस दिखाई देते थे तो देश की जनता को जरूर सुकून देते थे कि पक्ष विपक्ष दोनों ही लोकतंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा है और लोकतंत्र के मंदिर में जो ये तस्वीर इस वक्त कैमरे में कैद की जा रही है वो अब न सिर्फ वर्तमान में रहेगी बल्कि जब भी भविष्य के आईने में इसे दिखाई दिया जाएगा, ये दिखाई देगी तो याद दिलाएगी उस पल को जब हमने एक नया कदम रखा, जब हम एक नए विश्वास के साथ आगे बढ़े, जब हम एक आजादी की सबसे बड़ी तस्वीर के साथ बढ़े, जब हिंदुस्तान का हर जनप्रतिनिधि अपने जन जन के लिए वो बुलंद आवाज बना जिसकी उम्मीद आज भी देश की जनता करती है। और ये सिर्फ पक्ष से नहीं करती, ये विपक्ष से भी करती है, विरोधी दल हम कह सकते हैं क्योंकि सत्ता पक्ष के मुद्दों को लेकर जो विरोध सामने आता है इसे विपक्षी दल को विरोधी दल भी कहा जाता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं वो तस्वीर आज आपको पूरे देश की निगाहों से देखनी होगी। भारत माता की जय के नारे जो हमेशा से जन जन में गूंजते नजर आए हैं आज तस्वीर में वही कैद होने वाला है। देखिये, जब वीडियो या तस्वीर का जिक्र करते हैं तो यकीन जब सालों बाद आप उसे देखते हैं तो वो तमाम यादें ताजा हो जाती है क्योंकि आज जो है वो कल नहीं है और कल जो होने वाला है वो यकीन इससे बेहतर होगा। इसी उम्मीद के साथ लोकतंत्र के मंदिर का हर कदम आगे बढ़ा है, वो पग पग यहां पर देश की जनता ने देखा है, उन पीढ़ियों ने देखा है जिन्होंने आजादी पाई थी। आजादी के बाद एक लंबा सफर रहा था, कई तस्वीरें अब तक कैद हो चुकी है लेकिन अब नए भवन की तरफ जो रुख यहां पर हो रहा है, नए भवन की जो तस्वीर यहां पर सामने आई है जिसे जाने माने आर्किटेक्ट बिमल पटेल ने यहां पर तैयार किया है, उनका नाम लेना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही मशहूर जाने माने आर्किटेक्ट यहां पर रहे हैं। त्रिकोणीय आकार में पूरा संसद भवन बनाया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा जो स्पेस है वो यहाँ पर आ सके। लोकसभा राज्यसभा के जन प्रतिनिधियों के बैठने की बात हो, उनकी सुविधाओं की बात हो या फिर हर तकनीक की बात हो, वो नए संसद भवन में जरूर देखने को मिलता है। थीम भी लोकसभा के चैम्बर की और राज्यसभा के चैम्बर की जरूर अलग 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 है, एक में कमल का फूल है तो एक में राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जो दोनों बताने के लिए काफी है कि हर रंग इसमें जुड़ा हुआ है, हर कदम इसमें जुड़ा हुआ है। और उसी साथ की उम्मीद, ठीक है, राजनीतिक बातें बहुत हो जाती हैं, आरोप प्रत्यारोप बहुत हो जाते हैं, गिले शिकवे बहुत हो जाते हैं, लेकिन जब तस्वीर का जिक्र आता है तो ये तमाम चीजें दरकिनार हो जाती है और अगर आंखों के सामने कुछ झलकता है तो वो पल झलकता है। आज जो देख रहे हैं ना वो 2 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद जब आएगा तो आज की वो घड़ी याद आएगी क्योंकि ये घड़ी बेहद यादगार है, क्योंकि आज जो चेहरे नजर आ रहे हैं हो सकता है आने वाले वक्त में वो चेहरे बदल गए हों, उन चेहरों को कोई और देख रहा हो, लेकिन जो कदम इनकी तरफ से उठाया गया है, इन जनप्रतिनिधियों की तरफ से उठाया गया है, मोदी सरकार ने जिस तरह से ये पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत सामने लाए, उसके बाद इसका भी विरोध हुआ, इसका भी बॉयकॉट हुआ, लेकिन उन सब चीजों को दरकिनार कर दीजिए, आज जो है वो वर्तमान है, वर्तमान की जो तस्वीर है वही भविष्य तय करती है, क्योंकि अगर इतिहास को ध्यान में रखते हुए वर्तमान की तस्वीर को नहीं समझा तो कहते हैं भविष्य नजर नहीं आता, और अगर इतिहास को समझते हुए वर्तमान बना लिया तो भविष्य की हर एक तस्वीर बिल्कुल साफ नजर आती है, ठीक वैसे ही जो कि हर तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। आगे भी हमारे साथ बहुत सारे लोग होंगे, मेरे अलग अलग सहयोगी होंगे, वो और राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन आप देखिए इस तस्वीर को देख लीजिए, इस एकजुटता को, सारे गिले शिकवे दूर करते हैं और एक एक करके मैं तीनों ही आप खास मेहमानों से जरूर करेंगे।